हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन, माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग, जिसमें हम साइकोलॉजी, होम साइंस और फैशन स्टडीज़ पढ़ेंगे। अभी तक मेरी साइकोलॉजी की ये थर्ड क्लास है। पहले दो क्लासेस हुई हैं जिसमें हमने साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन और उसके आगे डिटेल्स पढ़ी है। बेसिकली हम जो साइकोलॉजी यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो क्लास 11th NCERT बुक की है और CBSE बोर्ड के अंदर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हमने जो साइकोलॉजी में पढ़ा था, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, अर्लियर क्या डेफिनेशन मानी जाती थी और बाद में उसको इवॉल्व होके क्या क्या डेफिनेशन दी गई। तो उसमें हमने तीन मेन प्रोसेसेस पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेंटल प्रोसेसेस, दूसरा बिहेवियर, तीसरा एक्सपीरियंस। तो हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि साइकोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन विच डील्स विद ऑल थ्री, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। आई होप यू रिमेंबर कि मेंटल प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था कि मेंटल प्रोसेसेस वो होते हैं जो हमारा माइंड प्रोसेसेस करता है, और उसकी एक्टिविटी हमें कैसे पता चलता है कि माइंड काम कर रहा है, जब हम अपने ब्रेन की एक्टिविटीज़ को कुछ टेक्निक्स यूज़ करके उसको हम अपने कंप्यूटर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्सपीरियंस के बारे में कि एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है हर किसी पर्सन का। किसी के लिए एक एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो सकता है और वही एक्सपीरियंस किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो एक्सपीरियंस जो है किसी भी पर्सन के या एक्सपीरियंसर के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशंस कैसी हैं, उस टाइम वो फ्रस्ट्रेट है या बहुत हैप्पी है, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर हमने दो टाइप के पढ़े थे, कोवर्ट बिहेवियर और ओवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर में हमने ये पढ़ा था कि कोवर्ट वो होता है जो हमें इजीली नज़र नहीं आता किसी में। अगर मान लो कोई नर्वस है और उसके पाम्स में स्वेटिंग हो रही है हाथों में, तो वो हमें इतना जल्दी नज़र नहीं आएगा जब तक कि हम उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से नोटिस नहीं करेंगे, तो वो तो कोवर्ट हो गया। और दूसरा हमने पढ़ा था ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट का मतलब था आउटवर्डली सीन जो आप बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जैसे कि कोई बहुत खुश है और बहुत हंस रहा है, या फिर कोई बहुत सैड है और वो बहुत रो रहा है, तो वो ओवर्ट बिहेवियर में आता है। उसके बाद जो सेकंड क्लास थी मेरी साइकोलॉजी की, उसमें हमने साइकोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन मतलब एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था कि वो किस स्ट्रीम में आता है, वो साइंस में आता है कि सोशल साइंस में आता है। तो एक तो है साइंस की स्ट्रीम जिसको नेचुरल साइंस हम बोलते हैं, साइकोलॉजी को हम नेचुरल साइंस में भी लेते हैं क्योंकि हम इसमें टोटली एक साइंटिफिक टेस्टिंग करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं कि वो सही है या गलत है, और अगर वो हाइपोथेसिस जो कि हमने माना है कि ऐसा होता है वो सही हो जाता है, तो हम उसको एक थ्योरी का नाम देके आगे पब्लिश कर देते हैं, तो वो एक फैक्ट बन जाता है साइकोलॉजी का। और जब तक कि कोई आके उसको डिसअप्रूव ना करे या उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ ना निकाले, तब तक वो थ्योरी चलती रहती है। पिछली हिस्ट्री हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि काफ़ी देर तक कुछ हाइपोथेसिस काफ़ी सालों तक लोग मानते थे, फिर एक नया साइंटिस्ट आया और उसने वो वाला हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, उसने एक नई थ्योरी बनाई। तो ऐसे करते करते साइकोलॉजी इवॉल्व हुई थी। तो ये जो हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, ये एक मॉडल होता है जिसका नाम होता है, इफ़ यू रिमेम्बर, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे हाइपोथेसिस को हम ट्रू और फॉल्स करने के बाद, चेक करने के बाद एक थ्योरी को डिड्यूस करते हैं साइंटिस्ट होते हैं जो। उसके बाद एज अ सोशल साइंस में हमने ये पढ़ा था कि सोशल साइंस में क्यों लेते हैं साइकोलॉजी को। सोशल साइंस में इसलिए लेते हैं क्योंकि ये किसी भी पर्सन की बिहेवियर को और एक्सपीरियंस को स्टडी करता है, लेकिन नेचुरल कंडीशंस में करता है। नेचुरल साइंस में लैब कंडीशंस में करता है, सोशल साइंस में नेचुरल कंडीशंस में करता है। नेचुरल मतलब जो अनकंट्रोल्ड होती हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के बीच में, या घर में, या स्कूल में आप कैसे बिहेव कर रहे हो। और ये उसमें स्टडी करा जाता है कि जब दो लोग अलग अलग जगह पे ग्रो अप हो रहे हैं फिर भी उनके बिहेवियर में कुछ रेगुलरिटी नज़र आ जाती है। और कई बार दो लोग एक ही सेम सिचुएशन में होते हैं, लेकिन कई बार एक जो होता है वो बहुत ही सेक्रीफाइजिंग तरीके से बिहेव करता है और दूसरा होता है वो उल्टा गलत बिहेवियर में इंडल्ज हो जाता है। तो कैसे इतना ज़्यादा वेरिएशन आता है बिहेवियर में, सेम एक्सपीरियंस अगर शेयर कर रहा है कोई तो भी। तो हम ये सब चीज़ें केस स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को लेके साथ में चलता है, और साथ में इनको प्रूफ करने के लिए हमें एक लैब साइंटिफिक तरीका भी चाहिए होता है, इसलिए इन दोनों की ही ज़रूरत होती है। और हमने कल ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि
न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस दोनों ही हमें साथ साथ इसमें चाहिए। न्यूरोसाइंस क्या है? जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को स्टडी करा जाता है, न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं। और कंप्यूटर साइंस क्यों चाहिए? क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटीज़ आप किसके थ्रू देखोगे? कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू ही देखोगे, कंप्यूटर्स में ही आपको नज़र आएगी। तो बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। तो ये दोनों फील्ड इसके साथ साथ ही इवॉल्व हुई हैं, इसके साथ साथ ही ग्रो अप हुई हैं। जैसे जैसे साइकोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, इन दोनों फील्ड्स में भी उसके साथ साथ बहुत एडवांसमेंट आई है। ओके, नाउ कमिंग टू माई थर्ड क्लास ऑफ साइकोलॉजी। आज जो हमारा पहले चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है वो ये है, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, उस दिन हमने ये डिस्कस किया था कि माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दोनों एक साथ ही हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि ब्रेन जो है जब वो काम करता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ब्रेन एक्टिवेट है, काम कर रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक माइंड नाम की चीज़ होती है जो उस टाइम काम कर रही होती है। माइंड के अंदर जैसे कुछ चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें वो माइंड काम कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी है उसको ध्यान से देखो, माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन, बट माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी। एंटिटी का यहाँ पे मतलब है थिंग। माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन, माइंड विदाउट ब्रेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी, माइंड इज अ सेपरेट थिंग, और ब्रेन एक सेपरेट थिंग है, दोनों को आप एक नहीं बोल सकते। ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल मतलब आप टेंजिबल जिसे बोलते हैं कि यू कैन टच इट। माइंड आप टच कर सकते हो, माइंड को आप देख सकते हो, आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, आप उसके पार्ट्स ड्रॉ करते हो, तो माइंड तो आपको दिख रहा है कैसी शेप का होता है। ठीक है, लेकिन ब्रेन की बात हो रही है, ब्रेन तो आपको दिख रहा है क्योंकि उसको आप ड्रॉ करते हो स्ट्रक्चर। लेकिन माइंड क्या है? अगर मैं बोलूँ आपको माइंड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या आप माइंड का स्ट्रक्चर बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि माइंड का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते। आप ब्रेन देख सकते हो, आपको ब्रेन नज़र आता है, किसी की सर्जरी होती है, डॉक्टर्स ब्रेन देखते हैं, ब्रेन की सर्जरी करते हैं, ब्रेन का डायग्राम बनाते हैं, ब्रेन के पार्ट्स डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर बोला जाए माइंड का करके दिखाओ, तो माइंड का कोई नहीं कर सकता। तो ब्रेन और माइंड दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ब्रेन एक अलग चीज़ है, माइंड एक अलग चीज़ है। ठीक है, ओके। अब ये जो लाइन ऊपर लिखी है ये एक तरह से थ्योरी है, जिसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन स्टडीज़ हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं। ये तीनों स्टडीज़, स्टडी नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही चीज़ें हमें ये बता रही है कि जो ब्रेन है वो कई बारी क्या होता है, ब्रेन का आप कुछ पार्ट अगर उसके किसी पर्सन के ब्रेन से कुछ पार्ट डैमेज हो जाए, या वो कुछ पार्ट आप सर्जरी के थ्रू निकाल दो, फिर भी जो उसका ऑल टोटल होलिस्टिक माइंड है ना, वो काम करता ही करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेन का आधा पार्ट निकाल दिया तो उसको माइंड भी आधा काम करेगा, ऐसे नहीं है। माइंड होलिस्टिकली पूरे तरीके से काम करता है। इवन इफ आपने ब्रेन का कोई पार्ट सर्जरी करके निकाल दिया है, या ब्रेन डैमेज हो गया है किसी चीज़ की वजह से, जैसे एक बार देख लेते हैं एग्जांपल्स। पहली यहाँ पे स्टडी है, इन सम पेशेंट्स ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या चीज़ है? ऑसिपिटल लोब एक ब्रेन का लोब होता है जो बैक साइड पे ब्रेन के होता है, वो आपको विजुअल करने में हेल्प करता है। जैसे आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो आपके आईज के थ्रू जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन में, वो ऑसिपिटल लोब कैच करके एक इमेज फॉर्म करता है जिससे आपको वो चीज़ नज़र आती है। ओके, मेरे कहने का मतलब है ऑसिपिटल लोब जो है आपको देखने में हेल्प करता है। इन सम पेशेंट्स ऑसिपिटल लोब्स वर रिमूव्ड इन ब्रेन सर्जरी। कुछ पेशेंट्स में क्या किया, ऑसिपिटल लोब को रिमूव कर दिया ब्रेन सर्जरी के थ्रू। तो एज अ रिजल्ट क्या होना चाहिए था? एज अ रिजल्ट ये होना चाहिए था कि ऑसिपिटल लोब रिमूव हो गया, मतलब कि उस पेशेंट को या उन पेशेंट्स को कुछ नज़र नहीं आना चाहिए था, करेक्ट? उनको कुछ दिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब ब्रेन के पास सिग्नल जा ही नहीं रहा ऑसिपिटल लोब पे, तो उनको दिखेगा कैसे कुछ भी। लेकिन उसका रिजल्ट क्या था? रिस्पॉन्डेड करेक्टली टू लोकेशन एंड कन्फिग्रेशन ऑफ विजुअल क्यूज। फिर भी उन्होंने क्या किया, ये गलती से दो बार लिख दिया, रिस्पॉन्डेड करेक्टली टू लोकेशन एंड कन्फिग्रेशन ऑफ विजुअल क्यूज।
तब भी उन्होंने क्या किया, जब उनको कोई विजुअल क्यूज मतलब कोई चीज़ दिखाई गई तो उन्होंने उसकी लोकेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी शेप, उसकी साइज़ कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप साइज़ कलर, तो उसकी लोकेशन और कॉन्फ़िगरेशन एकदम करेक्ट बताई। अब वो कैसे हो गया, उन्होंने ऑसिपिटल लोब हटा दिया है सर्जरी से ब्रेन से, फिर भी वो पेशेंट किसी चीज़ को देख के उसकी लोकेशन और कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट बता पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्या है? दैट मीन्स उसका माइंड अभी भी काम कर रहा है। माइंड जो है वो सिर्फ एक पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, माइंड अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है इवन इफ द ब्रेन हैज़ बीन डैमेज्ड और मॉडिफाइड। करेक्ट, समझ गए आप। एक बार दूसरी स्टडी भी देख लेते हैं। एन एथलीट लॉस्ट हिज आर्म, जो एथलीट होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसमें से एक एथलीट ने किसी इन एन एक्सीडेंट अपनी एक आर्म लॉस्ट कर दी, उसकी एक आर्म जो थी वो डैमेज हो गई। अब उसकी वो आर्म वहाँ से हटा दी गई, उसकी कोई आर्म नहीं थी। उसके बाद भी क्या रिस्पॉन्स देखा गया उसमें, कंटिन्यू टू फील हिज आर्म एंड इट्स मूवमेंट, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद भी उसको ये लगता था कि उसकी आर्म है और वो उसकी मूवमेंट फील कर सकता था। मूवमेंट फील कर सकता था मतलब अगर उसको कोई राइट हैंड, सपोज राइट हैंड था उसका, उसका राइट हैंड डैमेज हो गया था, उसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन जैसे आपने उसको कोई चीज़ पकड़ाई और उसको आदत थी राइट हैंड से उठाने की, तो उसने अपना राइट साइड ही आगे बढ़ाया। ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि उसका माइंड जो है अभी भी उसको ये लगता है, माइंड को ये लगता है कि उसका राइट हैंड अभी भी प्रेजेंट है। तो ऐसे जब होता है ना हमारे साथ, हम उसको फैंटम नाम दे देते हैं। फैंटम मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फिर भी हमें फील हो रहा है कि वो है, इट्स लाइक अ गोस्ट। तो फैंटम आर्म करके इस केस को हम बोलते हैं। तो उसमें क्या था, उसकी आर्म लॉस्ट हो गई थी, फिर भी उसको वो फील होता था कि उसकी वो आर्म है और उसको पेन होता था, उसको पेन फील होता था उस आर्म का, जबकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो दिस इज़ कॉल्ड फैंटम आर्म। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, ब्रेन काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे, ब्रेन को उस हाथ से कोई सिग्नल नहीं जा रहा, लेकिन माइंड फिर भी काम कर रहा है और उसको माइंड बोल रहा है कि उसका आर्म है। करेक्ट। नाउ थर्ड स्टडी, अ यंग मैन विद ब्रेन इंजरी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हॉस्पिटल। एक यंग मैन है कोई, उसको ब्रेन इंजरी हुई थी, उसका ब्रेन डैमेज हुआ था, ब्रेन में उसके चोट लगी थी। उसके बाद हॉस्पिटल से जब वो रिकवर करके घर आया तो क्या देखा, क्लेम दैट हिज पेरेंट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डुप्लीकेट्स। उसने घर आके ये क्लेम करा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो डुप्लीकेट लोगों से रिप्लेस हो गए हैं, मतलब कि वो जो उसके पेरेंट्स हैं वो रियल नहीं है, वो डुप्लीकेट लोग हैं, उनके कॉपी हैं, मतलब वो ओरिजिनल पेरेंट्स नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब उसका ब्रेन जो है ना यहाँ पे सर्जरी के बाद काम नहीं कर रहा है, बट उसका माइंड काम कर रहा है और उसको ये वो क्लेम करवा रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को पहचान तो रहा है लेकिन वो डुप्लीकेट है। तो ये तीन स्टडीज़ जो आपके बुक में भी दी हुई हैं वो यही समझाने के लिए दी हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे या फिर ये जो ऑब्जर्वेशंस हुई थी, ये इससे ये पता चला था कि जब हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है या ब्रेन काम करना कोई हिस्सा बंद कर देता है ब्रेन का, या कोई पार्ट रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी से, तो भी हमारा माइंड जो है वो काम करता ही रहता है। कुछ टाइम तक हमें माइंड कुछ अलग ही सिग्नल्स या हमें कुछ अलग ही परसीव करवाता है, और धीरे धीरे जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तब हमारा माइंड भी उसको लेके एडजस्ट हो जाता है। अंडरस्टूड। तो जो माइंड है ना उसको टाइम लगता है थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने में, और जो ब्रेन है वो तो फिजिकल चीज़ है, वो तो रैंडमली तभी एडजस्ट होती है जब उसको सिग्नल्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। करेक्ट। ओके, अब इस लाइन पे आते हैं। एक्टिविटीज ऑफ माइंड कैप्चर थ्रू एक्टिविटीज ऑफ माइंड, यानी कि आपका जब ब्रेन काम कर रहा है या माइंड काम कर रहा है तो उसकी जो वो है एक्टिविटीज़ है वो हम कंप्यूटर पे जैसे मैंने बोला था देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, किसके थ्रू कैप्चर करी जाती हैं, वो दो टेक्निक्स यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। एक तो है fMRI। MRI आपने सुना ही होगा, MRI स्कैन करते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बट यहाँ पे F का मतलब है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दूसरा है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम।
इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम। तो ये दोनों टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके थ्रू हम ब्रेन एक्टिविटीज़ को कैप्चर करके कंप्यूटर पे देख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दिस स्टेटमेंट हियर, माइंड एंड बिहेवियर आर रिलेटेड। माइंड एंड बिहेवियर आर रिलेटेड, ये स्टेटमेंट अब तो आपको समझ आ ही गई होगी कि माइंड और बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है यहाँ पे, ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, बिहेवियर क्या होता है, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बिहेवियर की कि दे आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस। तो माइंड और बिहेवियर रिलेटेड है क्योंकि माइंड जैसे काम करेगा बिहेवियर वैसा ही होगा। ठीक है, तो माइंड एंड बिहेवियर आर रिलेटेड, लेकिन इस थ्योरी के बेस पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो ये मेंटल इमेजरी करके एक वर्ड है, मेंटल इमेजरी, IMAGERY। मेंटल इमेजरी क्या होता है, हम अपने माइंड में कुछ ऐसी पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करते हैं या फिर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप कोई चीज़ अपने माइंड में देख रहे हो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं इसको, आप अपने माइंड में ये सोच रहे हो और अपने आप को ये देख रहे हो कि आप एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे घूमने गए हुए हो और आप वहाँ जाना चाहते हो, इसलिए आप वो इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, आप अपने माइंड में अपने आप को इमेजिन कर रहे हो कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह पे हो, बहुत सुंदर जगह पे हो, घूमने गए हुए हो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है। तो ये आप जो टेक्निक इस टाइम यूज़ कर रहे हो वो होती है मेंटल इमेजरी। ओके, लेकिन हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे को पॉजिटिव फीलिंग्स जब मिलती हैं, जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे को अच्छा लगता है, हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। और वो पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ एक फील करने के लिए नहीं होती, उसका बॉडी के ऊपर एक बहुत अच्छा असर होता है, जिससे कई बार क्या होता है, काफ़ी सारी बॉडी की फिजिकल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड और है, ये देखो, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का मतलब है यहाँ पे इम्यून सिस्टम। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ पेशेंट्स को सिर्फ इमेजिन करवा के, मतलब कि उनको ये इमेजिन करवा के कि वो ठीक है, बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बीमारियाँ ठीक कर दी गई हैं, लेकिन उनको ये बिलीफ होना चाहिए कि वो एक्चुअल में ठीक हैं या ठीक हो रहे हैं। तो उनका इम्यून सिस्टम इंक्रीज कर दिया गया है। साइको न्यूरो मतलब आपके माइंड और ब्रेन से रिलेटेड, इम्यूनोलॉजी का मतलब है आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक टेक्निक है, एक साइंस है, जिसमें क्या करते हैं, किसी को भी ये बिलीव कराया जाता है कि आप जो है क्योर हो रहे हो, आपको जो डिसीज़ है वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो जब वो ये चीज़ इमेजिन करता है, वो ये चीज़ विजुलाइज करता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं और वो मेंटल इमेजरी क्रिएट करता है अपने माइंड में कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आदमी या औरत वो ठीक हो जाता है उस चीज़ से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्चुअल में अगर आप इसकी डिटेल स्टडी करोगे, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें पेशेंट्स को एक फेक मेडिसिन देके ये बोला गया है कि ये मेडिसिन आपको इतने दिनों में ठीक कर देगी, बस आपको इसको खा के बिलीव करना है कि आप ठीक हो गए हो। तो वो मेडिसिन लेके उस पेशेंट ने डेली अपने आप को इमेजिन करा है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, मैं ये खा रहा हूँ मेडिसिन तो मैं अब ठीक हो गया हूँ। ठीक है, तो इसका यहाँ पे समझाने का क्या रीज़न है कि माइंड एंड बिहेवियर आर रिलेटेड। जैसा आपका माइंड, आप अपने अपने माइंड को जैसा ही विजुलाइज कराओगे, वैसा ही आपका बिहेवियर होगा और उस बिहेवियर का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे होगा। अब वही चीज़ है, जैसे सारे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि सब बोलते हैं आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो वो जो चीज़ है बोलने में जनरल लगती है, बट वो एक बहुत साइंटिफिक थ्योरी है कि जितना आप पॉजिटिव सोचते हो, अपने माइंड को पॉजिटिव विजुअलाइज कराते हो, उतना ज़्यादा ही आपकी बॉडी पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और ये साइंटिफिकली ऐसे बहुत केसेस हैं जिसमें इसके थ्रू उन लोगों की डिसीजेज या प्रॉब्लम्स को क्योर किया गया है। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा
कि माइंड और बिहेवियर का क्या रिलेशन है, ब्रेन और माइंड का आपस में क्या रिलेशन है, और ये तीन स्टडीज़ हैं जिसके थ्रू इन्होंने प्रूफ किया हुआ है कि ऐसा होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अब इसके आगे चलेंगे। आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट में भेज देना। आई विल अगेन क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स इन अ वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक ऑब्वियसली यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू अगेन।